हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान लाइट चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम पीछे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और उसमें हमने बेसिक में जो भी बातें की है वो स्टेबिलिटी के बारे में बात की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से स्टेबल होते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले उनके बेसिक कुछ एप्लीकेशन या क्वेश्चंस के बारे में जो उन फैक्टर्स को इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और उन फैक्टर्स को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस पे हम किस किस तरीके से उनको अप्लाई करेंगे या क्वेश्चंस के किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, हमें जब भी स्टेबिलिटी, हमें किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में जब भी हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी देखनी है, तो हम सबसे पहली बात यह है अपना एक पर्टिकुलर ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहला बात ये देखेंगे, सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिसिटी तो गेन नहीं कर रहा है। अगर यदि वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हम उसी को करेंगे। अगर उसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी बात, अगर यदि एरोमेटिक नहीं है तो हम उसके बाद में जब भी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तो उसमें एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो उसके बाद में दूसरा फैक्टर देखेंगे, मीजोमरिक, कि उसमें मीजोमरिक इफेक्ट है क्या। अगर यदि वो मीजोमरिक इफेक्ट है तो हम सेकंड उसको देखेंगे, एरोमेटिक है तो ठीक है, नहीं है तो मीजोमरिक देखेंगे। मीजोमरिक नहीं है तो फिर देखेंगे हम रेजोनेंस, फिर हम देखेंगे कि उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है क्या। रेजोनेंस, अगर यदि रेजोनेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे और अगला फैक्टर हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि अगर यदि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलेंगे, सबसे पहले हम देखते चलेंगे एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिसिटी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मीजोमरिक इफेक्ट देखेंगे, मीजोमरिक नहीं है तो फिर रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे लास्ट में हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। अगर यदि हमारे पास में किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी कंपाउंड में हमें स्टेबिलिटी देखनी है तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। एरोमेटिक होगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं है तो मीजोमेरिक, मीजोमेरिक नहीं है तो रेजोनेंस, रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो सबसे वीकेस्ट फैक्टर होता है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी का सबसे वीक फैक्टर होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है वो होता है एरोमेटिसिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। तो हमें ये चीज़ देखनी है फर्स्ट थिंग जब भी हमें कंपाउंड में देखना है। दूसरी चीज, अगर यदि हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हमने पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से स्टेबल करती हैं या स्टेबल होती हैं, उसके बेसिस पे हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सी स्टेबल होती है, कौन सी कम स्टेबल होंगी। और इसी रूल्स को फॉलो करते हुए, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमें कार्बोकैटायन कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी से ही हमारी रिएक्शंस होंगी जो हम रिएक्शन आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, या ऑर्डर अरेंज करना है जिसका हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हमें इन चारों में सबसे पहला काम यही करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है, स्टेबल कौन सा है सबसे पहले। तो हम पहले कंपाउंड की बात करते हैं। इस वाले कंपाउंड में अगर यदि हम देखें तो हमारे पास में क्या ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। कोई सा भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, कोई सा भी कंपाउंड अगर हम देखते हैं तो इनमें से कोई सा भी एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें ये वाला कार्बन है वो भी sp3 है, ये वाला कार्बन है वो भी sp3 है, और यहाँ पे है वो sp3 है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। फर्स्ट रूल हमारा नेग्लेक्ट होता है, एरोमेटिसिटी खत्म हो गया, हमें एरोमेटिसिटी तो देखना ही नहीं है, खत्म हो गया। दूसरी बात देखते हैं मीजोमरिक इफेक्ट, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास में कोई भी, क्योंकि अगर यदि यहाँ पे प्रेजेंस होती कार्बोकैटायन की तो हम कह सकते थे कि कुछ स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है,
यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं है, मीजोमेरिक भी नहीं है, मीजोमेरिक इफेक्ट भी नहीं है, ये भी खत्म हो गया। थर्ड थिंग हम बात करते हैं हाइपर रेजोनेंस की, रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस देखा, ये डबल बॉन्ड इसके पास आ रहा है, ये डबल बॉन्ड इसके पास आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ तक, इसमें इस वाले बॉन्ड के थ्रू, तो हमारे पास में इसमें ये वाला डिलोकलाइज करने लग रहा है। दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से डिलोकलाइज कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है। तीसरे कंपाउंड में देखते हैं, तीसरे में हमने देखा कि यहाँ पे इसने इसको डोनेट किया और ये यहाँ पे डोनेशन कर रहा है, और फोर्थ में यहाँ पे आते हैं जो ये इसको डोनेट करने लग रहा है। हमारे पास में यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड को जो इन दोनों के बीच में है, ये इसको डोनेशन करने लग रहा है। यहाँ पे अगर यदि हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला डबल बॉन्ड इसको डोनेशन कर रहा है, फिर ये इसको डोनेट कर रहा है, और यहाँ से लोन पेयर देखते हैं तो लोन पेयर नीचे आ रहा है और फिर ये पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, हम सेकेंड कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो सेकेंड कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है कुछ इस तरीके से, ओ एच, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो किसको देगा, इसको देगा। जैसे इसके पास में आएगा ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गई, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये इसको डोनेशन कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, मतलब अगर यदि हम देखें इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ओ एच, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये हमारी ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, मतलब ये कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, इसकी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ से ऑक्सीजन का लोन पेयर। लेकिन अगर यदि यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे रेजोनेंस में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस कंपाउंड में देखते हैं तो इसमें भी ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा डबल बॉन्ड ही डीलोकलाइज कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, बी वाले कंपाउंड की स्टेबल स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकंड वाला है, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, सबसे पहला इम्पोर्टेंटली यही देखना है, अगर यदि रेजोनेंस है तो जितना लंबा रेजोनेंस होगा, जितना लॉन्ग रेजोनेंस होगा डीलोकलाइजेशन का, उतना ही स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टेबिलिटी को गेन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है इसमें अगर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस है किस तरीके से, पहली बात हमने कोई भी एरोमेटिक तो है ही नहीं, एरोमेटिसिटी तो खत्म हो गया, कोई भी इसमें रेजोनेंस नहीं है वो भी खत्म, सॉरी हाइपरकॉन्जुगेशन, सॉरी इसमें मीजोमेरिक नहीं है वो भी खत्म हो गया। थर्ड आते हैं हम रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस में इधर से भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये इसको डोनेट कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूस डिलोकलाइजेशन नहीं है, ये इसको डोनेट करेगा तो फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्टिन्यूस डिलोकलाइजेशन नहीं है। सेकंड में आते हैं यहाँ पे, दूसरी बात ये है यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, दूसरा रेजोनेंस है, रेजोनेंस भी है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी है, मतलब इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस भी है, और रेजोनेंस होने के बाद ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस भी है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी है, क्लियर है। थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, सॉरी ये वाले जो कार्बन के मिथाइल ग्रुप्स हैं जो इस डबल बॉन्ड के आगे हैं, तो ये वाला डिलोकलाइज करके यहाँ पे आएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, मतलब इसमें लॉन्ग डिलोकलाइजेशन है, लॉन्ग डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेशन है, लॉन्ग डिलोकलाइजेशन या रेजोनेंस है, ठीक है, लॉन्ग रेजोनेंस है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। हम इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर आए तो हमने देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के ही ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हमने एक जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर पढ़ा तो उसमें पढ़ा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की, फिर लोन पेयर की, और लोन पेयर के बाद डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की,
हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास में हाई है उसी को हम कह रहे हैं आप डेफिशिएंट हो। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसी कंपाउंड पे हम ये कह रहे हैं कि आप डेफिशिएंट हो। यहाँ पे तो अंबानी को गरीब कहने वाली बात हो गई। हम किसी अमीर आदमी को गरीब कहने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो गया है। बात आती है इन तीनों में, तीनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस है, यहाँ पे भी एक साइड से रेजोनेंस है और यहाँ पे लॉन्ग रेजोनेंस है। तो हमारे पास में 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, जैसे ये यहाँ पे आएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। मतलब यहाँ पे अगर यदि हम देखते हैं तो ये लॉन्ग रेजोनेंस शो कर रहा है और लॉन्ग रेजोनेंस शो कर रहा है तो हमारे पास में ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। तो हमारे पास स्टेबिलिटी किसका है, थर्ड स्ट्रक्चर का, जो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। तो अगर यदि हम इन क्वेश्चंस में देखते हैं जहाँ पे हमारे पास में वही सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे एरोमेटिसिटी और उनके रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर यदि हम इन क्वेश्चंस में देखते हैं, यहाँ पे हम देखें ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग और ये 3 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे देखते हैं ये 7 मेंबर्ड रिंग और ये 5 मेंबर्ड रिंग, और ये हमारे पास में 7 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड रिंग। हमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देखनी है, जो ज़्यादा बड़ी रिंग होगी और जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, स्टेबल किससे होगी, हमें एरोमेटिसिटी के वही होमो एरोमेटिक कंपोनेंट देखने हैं, जहाँ पे दोनों के दोनों रिंग्स इस तरीके से, इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से डिसोसिएट करना है कि दोनों रिंग्स आपस में एरोमेटिक एरोमेटिसिटी को गेन कर सके। ये भी और ये भी, अगर तीनों के तीनों एरोमेटिसिटी को गेन कर लेती है, अगर यदि दोनों रिंग्स आपस में एरोमेटिसिटी को गेन कर लेती है तो इस तरीके से हम डबल बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे। तो हमने इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ा तो हमारे पास में या तो हम इस पर प्लस चार्ज दे सकते हैं, इस पर माइनस दे दें, या फिर इस पर प्लस इस पर माइनस दे सकते हैं। अगर यदि हम इस पर प्लस देते हैं, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2π इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास में 4π इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर यदि 6π इलेक्ट्रॉन बना लेता है तो एरोमेटिक हो जाता है, और ये अगर यदि 2 ही रखता है तो ये एरोमेटिक होता है। तो मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस इस पार्ट में टूट गया। जैसे ये टूटा तो ये 5 मेंबर्ड रिंग भी एरोमेटिक हो गई और ये 3 मेंबर्ड रिंग है ये भी एरोमेटिक हो गई। मतलब ये होमो एरोमेटिक हो गए हैं, एरोमेटिसिटी को गेन कर लिया है इसने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर यदि हम इस वाले को तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ें तो यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से, क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6π इलेक्ट्रॉन्स है, 6π इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे देखते हैं इस पे 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4π इलेक्ट्रॉन। ये तो अपने आप को 6 में कन्वर्ट कर ले तो हमारे पास में ये तुरंत उसमें चला जाएगा एरोमेटिसिटी में, और ये 6 की 6 में ही रहे तो ये एरोमेटिसिटी को गेन कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस चार्ज। थर्ड पे आते हैं, इसमें यहाँ पे 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पर 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी 6 में ही रहे और ये भी 2 में ही रहे तो दोनों एरोमेटिक रहेंगे, लेकिन हमें तो चार्ज दिखाना है। चार्ज एक पे प्लस दिखाएंगे तो हमारे पास में एक तो 0 रहेगा जो अपनी न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, और अगर जिसमें माइनस दिखाएंगे तो उसकी पाई 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो बढ़ जाएगा, 8 में हो जाएगा, या फिर ये 2 है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम किसी पे भी, अगर यहाँ पे प्लस दिखाते हैं तो यहाँ पे माइनस दिखाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे माइनस दिखाते हैं तो यहाँ पे प्लस दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास में एक कंपाउंड ऐसा होगा, इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसी होगी जो अपनी एरोमेटिसिटी को गेन नहीं कर सकती, लूज कर देगी, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो हम इन तीनों में स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है, ये 5 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड एरोमेटिसिटी को गेन कर रहे हैं। इसकी कंपैरिजन में इसको देखते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, दोनों की दोनों ही एरोमेटिक हो रही हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा, या हम कह सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें से एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है, इसलिए इस रिंग में एंटी एरोमेटिसिटी कैरेक्टर आने की वजह से ये लेस स्टेबल होगा इन दोनों के कंपैरिजन। सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला, उसके बाद ये वाला, और फिर लास्ट में वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यदि हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है,
यहाँ पे रेजोनेंस एरोमेटिसिटी के बाद में मीजोमरिक देखते हैं, मीजोमरिक इफेक्ट इन सभी में देखते हैं। यहाँ पे देखा कार्बोकेटायन और उसके बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, रेजोनेंस मीजोमरिक नहीं है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में देखा यहाँ पे मीजोमरिक बिल्कुल है, बिल्कुल मीजोमरिक है। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी बिल्कुल मीजोमरिक है, दोनों में m पॉजिटिव है। सेकेंड थिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस भी खत्म हो गया, रेजोनेंस भी खत्म हो गया। थर्ड थिंग पे आते हैं जो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। जब हम बात करें यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स है, वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन। और अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स है या 3 हाइपरकॉन्जुगेशन्स कंपाउंड्स है या हाइड्रोजन कैरी करने वाले हाइड्रोजन कार्बन है, तो यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स होंगी और यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स होंगी। तो इसका मतलब ये है 4 हाइड्रोजन हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे 7 हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला कम स्टेबल हो गया, क्योंकि हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कितनी बनती हैं, वो होती है n+1 अल्फा के बराबर होती है। मतलब जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें प्लस वन करते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आती है। नेक्स्ट अगर यदि हम कंपाउंड की बात करते हैं, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे देखें तो एरोमेटिक कोई सा भी नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इस पे बात आती है। तो ये 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैरी कर रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, लेकिन लेकिन ये साइक्लिक है, इसमें लॉन्ग रेजोनेंस है, कंप्लीट साइकिल में इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला लॉन्ग रेजोनेंस कैरी कर रहा है। यहाँ पे देखें ये इसको देने लग रहा है या इधर से देने लग रहा है, एक साइड से ही इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है। इधर से देखें तो यहाँ पे सिंगल डोनेशन और यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, फोर्थ वाली, फिर उसके बाद में सेकंड वाली और फिर उसके बाद में थर्ड वाली और फिर फर्स्ट वाली। तो हम इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से देख सकते हैं। एक लास्ट में अगर यदि हम ये पूछे जाए, अगर यदि मान लो हमसे ये पूछा जाता है कि अगर बताइए एक्सप्लेन कीजिए एक फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड है और उसमें बताइए C डबल बॉन्ड O H और H, रेजोनेंस देखें इसमें किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। हमें जैसे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जाता है कि बताइए ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं इस पर, या फिर हम इस पर ये वाली स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हमसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकती है या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बन सकती है। तो इसका मतलब ये है, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी की बात की थी कि हम किस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही देखा था कि जो न्यूट्रल कंपाउंड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू चार्ज्ड मॉलिक्यूल। जो चार्ज्ड कंपाउंड होगा उसकी कंपैरिजन में न्यूट्रल कंपाउंड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम सबसे पहली बात देखें तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये दोनों चार्ज्ड हैं। दूसरी बात देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन इज कार्बन, इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज यहाँ है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है सेकंड में ये वाली स्टेबल होगी, थर्ड में ये वाली स्टेबल होगी या फिर अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी। तो हम इस तरीके से स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी कंपाउंड में अगर स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है तो हम हर जगह पे स्टेबिलिटी देखना होगा, तो वहाँ पे हम सारे रूल्स अप्लाई करेंगे जितने भी फैक्टर्स डिपेंडिंग होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।